Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। जीरो ने पॉजिटिव केस हाजिर रजिस्टर हुआ है और एक डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा है 14। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। उसके बाद बात करते हैं हम गुलबर्गा सिटी पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया एक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम को फ्लैग ऑफ किया ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज और डॉक्टर वाईएस रवि कुमार जी पुलिस कमिश्नर। आज कलबुर्गी सिटी पुलिस और जुडिशियरी की तरफ से हमने ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम कंडक्ट किया है। हम कलबुर्गी सिटी की तरफ से ज़्यादा एनफोर्समेंट से ज़्यादा ट्रैफिक अवेयरनेस लाके लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ये जागृति उनमें लाके इस तरह से प्रोग्राम से उनमें अवेयरनेस का हम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोविड सिचुएशन में कॉमन मैन को हम फाइन डालेंगे तो इस सिचुएशन में उनको भी फाइन भरने में बहुत परेशानियां होगी। इसलिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए कि स्ट्रिक्टली ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। एपीएमसी के बाहर गंज एरिया के अंदर ऑफिशियल्स ने आज डेमोलिशन किया जो भी एंक्रोचमेंट्स थे रोड ट्रैफिक को जो डिस्टर्ब कर रहे थे इलीगल स्ट्रक्चर्स को निकाला गया। तो चलते हुए काफी सारे लोग इस पर नाराजगी जताए। यहाँ पर शैला जी जो कि सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे और ये काम को अंजाम दिया, लेकिन लोकल जो बिजनेसमैन हैं वो इस चीज़ से नाराज हैं। आई देखते हैं सारा मामला क्या है। जब गवर्नमेंट क्या है 100-100 फीट की शेड बनाए, माला खराब नहीं होना, दुकानदारों को तकलीफ नहीं होना बोलते, और 8 दिन को बाद चोरी होता उसका रेस्पॉन्स नहीं है। ऐसा धूप में इंसान कैसा बढ़ सकता बोलो? ऐसा धूप में क्या है बैठ सकता जी इंसान है? ऐसा होना वैसा तोड़ के जा रहे हैं क्या जी? और ये तोड़ना ही इतना तो इतना दिन छोड़े कहीं को? ये देखो सरासर गलत है। 25th को स्ट्राइक था जी, उससे पहले ये लोग एनक्रोचमेंट चालू करे, इसका जिम्मेदार कौन है? एपीएमसी वाले लेते जी, तोड़ के जाते हैं। ये तोड़ के बनाने के बाद रोड बनाते बोल के क्या गारंटी है लोगों का? पर पुलिस स्टेशन अंदर है, पुलिसों को सिक्योरिटी नहीं है। करना रहे तो पूरा सिस्टमेटिक करो। दूसरा जो एपीएमसी अंडर में आता जी, और एपीएमसी अंडर वालों को तो कारपोरेशन वाले के ऊपर डालते हो। ये लाइट नाम मेरा नहीं, कारपोरेशन वालों को पूछे तो क्या है? एपीएमसी का है बोलते हैं। और क्या है ये जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं करेक्ट है, मगर इसके हिसाब से रोड भी बनना और लाइटा होना पानिया होना और चोरी जो हो रहा उसको रुकआउट करो बोलो। उसके बाद हम बात करते हैं आज स्पेशल प्रोग्राम है जिम्स हॉस्पिटल के पास, जहां पर इंडिया ने आज अचीव किया है 100 crores ऑफ वैक्सीनेशन। जी हाँ, 100 करोड़ माइलस्टोन रीच हो चुका है वैक्सीनेशन के अंदर। चलते हुए अपोगोड़ा जी और डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग यहां पर मौजूद थे जिम्स हॉस्पिटल के बाहर ये प्रोग्राम हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया है कोविड वैक्सीनेशन, बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से पूरी दुनिया में, कौन से देश में भी इतना 100 करोड़ वैक्सीनेशन कौन से देश में भी नहीं हुआ है। आज भारत में माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ वैक्सीनेशन सक्सेसफुली रीच हुआ है। इसके लिए हम आज हमारे जिम्स मेडिकल कॉलेज में जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, डी ग्रुप हैं, सभी लोगों को आज हमने फेलिसिटेट किया है, उनको फेलिसिटेशन किया है। तो मैं आगे भी जो बचे हुए लोग हैं मैं उनको भी विनती करता हूं जो आगे गुलबर्गा शहर के लिए, गुलबर्गा शहर में 100% वैक्सीन कवरेज होना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से विनती करता हूं कि जो नहीं लिए हैं वैक्सीनेशन वो आगे आके वैक्सीनेशन लेना बोल के मैं विनती करता हूं। हाल ही में मिलादुन्नबी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप और ब्लड ग्रुपिंग कैंप रखा गया था और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जिसको वक्त देने के डॉक्टर वाईएस रवि कुमार जी कमिश्नर और सिटी पुलिस यहां पर मौजूद रहे और साथ ही एडवोकेट बहाज बाबा। जहां कुरैशी हेल्पिंग फाउंडेशन ने यह प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था कुरैशी चौक मोहनपुरा में। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के शॉर्ट हाइलाइट्स।
कुरैश बिरादरी को अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो ब्लड है वो किसके काम में आ रहा है, क्या किसी हिंदू भाई के काम में आ रहा है, मुस्लिम भाई के काम में आ रहा है, मगर ये डोनर्स को एक बात मालूम है कि ये किसी एक इंसान के काम आ रहा है और इनके ब्लड से इंसानियत बच रही है। तो यही पैगाम मेरे और आपके आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को दिया है, क्योंकि आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। आज ईद मिलाद के इस शुभ अवसर पर कुरैशी फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। बहुत खुशी है इधर आने के लिए हमें, और यहाँ पे हमारे जो नौजवान लोग हैं, दोस्त हैं, सब बहुत ही वॉलंटियरली और खुशी से ब्लड डोनेशन के इस पवित्र कार्य में भाग लेके इस कार्य को सफलता कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट ऑल द यूथ ऑफ गुलबर्गा फॉर होल हार्टेडली पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्लड डोनेशन कैंप, एंड दे आर डूइंग ए ग्रेट सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। इट्स अ वेरी डिवाइन सर्विस, थैंक यू। यही बोलना चाहता हूँ कि आपका एक ये बहुत अच्छा काम जो है, किसी का जान बचा सकता है, और जो ट्रामा पेशेंट्स में है, जो या डिलीवरी में जो बहुत ज़्यादा खून जा चुका होता है, उनको ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरी होती है। कुरैशी हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से हम पिछले कई सालों से ये वर्क कर रहे हैं, और मैं जो भी डोनर्स इसमें डोनेट किए हैं उनका थैंकफुल हूँ, और कमिश्नर साहब जो आगे हमें अप्रिशिएट किए और वहाँ जो साहब आगे भी अप्रिशिएट किए हमको, मैं उनका भी थैंकफुल हूँ। आखिर में हम बात करने वाले हैं, एक स्पेशल फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया है मोहम्मद हैरिस सुमेर के लिए, जो कि IAS इस बार के UPSC एग्जाम्स के अंदर काफ़ी टॉप लाए हैं और बिदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं इलियास सेठ, चेयरमैन हुसैन पब्लिक स्कूल। याद रखें, हुसैन पब्लिक स्कूल में सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्राइम प्रॉपर्टी शो के बारे में, जहां पर हम आज को जो प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं वो काफ़ी प्राइम है। जी हाँ, KBN दरगाह एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी आती है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, खास करके कोई फूड रिलेटेड बिजनेस या फूड जॉइंट अगर चलाना चाह रहे हो, या फूड कोर्ट या फिर रेस्टोरेंट, तो ये जगह काफ़ी आइडियल आपके लिए। दरगाह एरिया जो बिज़नेस के लिए काफ़ी लाइवलीहुड है, और ज़ाहिरीन यहाँ पर काफ़ी नंबर्स में आते हैं, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हैं गोहास रियल्टर्स ने ये जगह आइडेंटिफाई की है और आपके लिए जगह अवेलेबल है। शॉप्स यहाँ पर सेल के लिए भी हैं और रेंट के लिए भी, और ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और जगह का एड्रेस की अगर हम बात करें, तो ये दरगाह के बिल्कुल फर्स्ट लेन जो आती है SBI बैंक से टूवर्ड्स डॉक्टर आसिफ कमठान क्लिनिक, उसी के बीच में ये प्रॉपर्टी आती है।